वी नो द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, दैट इज अर्थ हैविंग इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड. बट फॉर नोइंग द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द अर्थ, वी शुड नो अबाउट अर्थ मैग्नेटिक एलिमेंट. सो देर आर सर्टेन एलिमेंट्स फॉर द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. दीज थ्री आर मैग्नेटिक डिक्लिनेशन डिनोटेड बाई अल्फा, एंगल ऑफ डिप, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज मैग्नेटिक इंक्लिनेशन डिनोटेड बाई थीटा, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज बी एच. बिकॉज दीज थ्री टर्म्स प्रोवाइडिंग ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट अ प्लेस, दैट्स वाई दीज एलिमेंट्स आर ऑल्सो टर्म्ड एज प्रोवाइडिंग कंप्लीट एड्रेस अबाउट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, नंबर वन. नंबर टू, इफ यू कम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ द निडिल, देर आर टू टाइप ऑफ निडिल. द फर्स्ट वन इज द डिप निडिल. दिस निडिल इज फ्री टू रोटेट इन द वर्टिकल प्लेन. अबाउट दिस एक्सिस इट कैन रोटेट इन अ वर्टिकल प्लेन. सिमिलरली द कंपस निडिल, वेरी सिंपल, ऑलरेडी यू नो दिस इज रोटेटिंग इन हॉरिजॉन्टल प्लेन. सो बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिप निडिल एंड कंपस निडिल इज. नाउ कम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ द एलिमेंट्स. दिस इज द ज्योग्राफिक मेरिडियन. ज्योग्राफिक मेरिडियन इज बेसिकली द वर्टिकल प्लेन विच पासिस टू द ज्योग्राफिक एक्सिस ऑफ द अर्थ मैग्नेट, ज्योग्राफिक मेरिडियन. एंड दिस वाइट कलर रेक्टेंगल इज द मैग्नेटिक मेरिडियन. मैग्नेटिक मेरिडियन इज अ वर्टिकल प्लेन इन विच द सस्पेंडेड डिप निडिल लाइज. दिस इज द प्लेन इन विच द सस्पेंडेड निडिल लाइज. सो द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मेरिडियन एट एनी प्लेस ऑन द अर्थ सर्फेस एंड ज्योग्राफिक मेरिडियन इज टर्म्ड एज द एंगल ऑफ डिक्लिनेशन. एंड वॉट इज एंगल ऑफ डिप? बिकॉज वेन यू सस्पेंड द डिप निडिल एट एनी प्लेस, इट ऑलवेज मेक्स सम इंक्लिनेशन फ्रॉम हॉरिजॉन्टल. सो इट्स एक्सिस वट एवर एंगल मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल लाइन, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप. नंबर थ्री, द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज अ वैक्टर क्वान्टिटी. एनी वैक्टर क्वान्टिटी कैन बी रिजॉल्व इन टू वर्टिकल कंपोनेंट बी वी एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ बी, दैट इज बी एच. बट वी आर प्रेफरिंग बी एच ओवर बी वी फॉर एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. रीजन बींग बिकॉज वी आर परफॉर्मिंग मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट पैरेलल टू द अर्थ सर्फेस. नाउ सी वॉट द रिलेशन बिटवीन दीज थ्री टर्म्स. नाउ ऑलरेडी वी नो the vertical component is given by b sin theta, the horizontal component is given by b cos theta. If we divide equation 1 by 2, simply we have b sin theta by b cos theta is equal to bb by bh. So bb cancel, so sin theta upon cos theta is equal to tan theta, that is bb by bh. So you can also say that the tangent of angle of dip is ratio of the vertical and horizontal component of the magnetic field. Now if you come to the squaring and adding of equation 1 and 2, so if you square or add, then we have bb square plus bh square is equal to b sin theta, b square sin square theta plus b square cos square theta. So in the left right side b square is common, then sin square theta plus cos square theta, or sin square theta plus cos square theta is equal to 1. So finally we have b square is equal to bb square plus bh square, and b is equal to under root bb square plus bh square. So equation 3 and 4 are very very important, in the sense if two terms are known you can find out the value of third one. So this is about elements of the earth magnetic field, because we can come to know about the total magnetic field intensity of the earth at any place over the globe.